अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हफीज अदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज जो है मेरा साइको एनालिटिक थेरेपी के ऊपर जो है लेक्चर नंबर है 10। आज के इस लेक्चर में जो है फ्रॉइड का कॉन्सेप्ट ट्रांसफेरस जो है एक्सप्लेन करूंगा। इस लेक्चर में जो है ट्रांसफेरस क्या है, कौन सी इसकी एग्जाम है, उनको जो है एक्सप्लेन करूंगा सिंपल अल्फाज में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसफेरस का जो है कॉन्सेप्ट ये दिया था डॉक्टर कौन सा, मिस्टर फ्रॉइड, सिगमंड फ्रॉइड ने जो है ये कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करवाया। इसने जो है हिस्टेरिया के पेशेंट्स को जो है बहुत ज्यादा ट्रीट किया था। और इसका जो है जो तरीका था इलाज का वो ये था कि फर्स्ट ऑफ ऑल पेशेंट के साथ जो है रेपो बिल्ड की जाए फ्री एसोसिएशन के दौरान। जैसे ही जो है पेशेंट के साथ जो है फ्री एसोसिएशन टेक्निक को यूज करता था तो पेशेंट के साथ जो है रेपो बिल्डिंग होना शुरू हो जाती थी। जैसे ही रेपो बिल्ड होती थी, बाज दफा फ्रॉइड ने जो है ये चीज आइडेंटिफाई की कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो उसकी तरफ जो है रागव हो जाते हैं इमोशनली, और जो है बहुत सारी चीजें जो है एक्सप्रेस आउट करना शुरू कर देते हैं। बाज दफा जो है वही इमोशनल फीलिंग्स जो है वो नेगेटिव वे में चली जाती है पेशेंट्स की। पेशेंट जो है बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा जो है वो इमोशनली जो है अटैच हो जाते हैं अपने क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के साथ। ट्रांसफेरेंस जो है इसने तब जो है इंट्रोड्यूस करवाई उन इमोशनल फीलिंग्स को मद्देनजर रखते हुए। इमोशनल फीलिंग्स को जो है अगर तो पेशेंट जो है लिमिटेड हद तक जो है रहते हुए एक्सप्रेस आउट करता है और उसकी वजह से जो है थेरेप्यूटिक रिलेशन में जो है कोई जो है प्रॉब्लम नहीं आती तो समझे जो है वो पॉजिटिव ट्रांसफेरेंस है। पॉजिटिव ट्रांसफेरेंस में जो है थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप जो है खराब नहीं होता, लेकिन जो है पेशेंट अपने इमोशंस को एक्सप्रेस आउट कर देता है, सारे इमोशंस जो है बाहर निकाल के रख देता है। अगर जो है उन इमोशंस की वजह से जो है थेरेप्यूटिक रिलेशन में डिस्टर्बेंस आना शुरू हो जाए और जो है पेशेंट जो है अपने क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से ये कह दे आई लव यू, तो हैरानी वाली बात है कि तब आप समझ जाए कि जो है पेशेंट जो है वो जो है उसके जो है ट्रांसफेरेंस बिल्ड हो रही है इन नेगेटिव सेंस में। तो इसी किस्म की चीजों से बचने के लिए जो है फ्रॉइड की ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है। जैसे ही पेशेंट इस तरह की फीलिंग जो है एक्सप्रेस आउट करना शुरू कर दे कि आपको मैं घर इनवाइट करता हूं, आप लंच पे आए, आप डिनर पे आए, आपको जो है ये ऑफर की जाएगी, डिफरेंट गिफ्ट्स आना शुरू हो जाए, तो समझ जाए कि जो है ट्रांसफेरेंस जो है डेवलप हो गई है पेशेंट की साइकोलॉजिस्ट की तरफ। अब जो है बात यहीं पर नहीं थमी थी, बात जो है मजीद बढ़ गई थी, क्योंकि जब जो है बाज पेशेंट्स को जो है वो ट्रीट करता था मिस्टर फ्रॉइड तो ऐसा फील करता था कि बाज दफा जो है वो खुद भी जो है इमोशनली अटैच हो रहा होता है कि मेरी जो है मींस के फ्रॉइड की जो है फीलिंग्स वो जो है पेशेंट के साथ जो है अटैच होना शुरू हो जाती थी कि वाकई इसके साथ गलत हुआ, क्योंकि हिस्टेरिया के पेशेंट थे, क्योंकि हिस्टेरिया के पेशेंट जो है साइकोसोमेटिक कंप्लेंस बताते हैं और जो है उनके पीछे जो है सॉलिड कोई ना कोई कॉज होती है, और जब जो है फ्रॉइड उस कॉज तक पहुंचने की कोशिश करता था तो बहुत ज्यादा जो है उसे जो है फील होता था कि शायद मैं भी जो हूँ उसके साथ जो है अटैच हो गया, इस पेशेंट को जो है पर्सनल लेना शुरू कर रहा हूं, तो खैर मुझे जो है अपनी लिमिट्स में रहना चाहिए ताकि जो है मैं पेशेंट्स को डील कर सकूं। तो तब जो है इसने जो है एक जो है ट्रांसफेरेंस की जो है इन टर्म्स इंट्रोड्यूस करवाई कि काउंटर ट्रांसफेरेंस। फॉर एग्जांपल फीमेल पेशेंट जो है अपने जो है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से कहती है आई लव यू, और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो है फौरी से जो है उसके ऑफर एक्सेप्ट करके क्या कहता है आई लव यू टू, आई लव यू सो मच, कि जो है काउंटर ट्रांसफेरेंस होना शुरू हो जाती है। बाद दफा ऐसा होता है कि पेशेंट जो है वो विलिंग नहीं होता, लेकिन क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो है उसकी जो फीलिंग्स हैं ऑटोमेटिकली जो है उसके साथ जो है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गली एसोसिएट होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जो है थेरेप्यूटिक रिलेशन खराब हो रहा हो, तो वो जो फीलिंग्स हैं वो जो है होती है काउंटर ट्रांसफेरेंस। उसमें होता है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का जो है अपने पेशेंट की तरफ जो है रागव होना। तो इसीलिए जो है फ्रॉइड ने जो है ये चीज जो है इंट्रोड्यूस करवाई ट्रांसफेरेंस, कि अगर ट्रांसफेरेंस सिंपल है तो समझ जाए कि पेशेंट का जो है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की तरफ जो है अट्रैक्शन ज्यादा हो रही है, हद से ज्यादा हो रही है, और अगर काउंटर ट्रांसफेरेंस है तो उसमें जो है सिमिलर ऐसे ही कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की जो है अट्रैक्शन अटैचमेंट इमोशनली अटैच जो है वो ज्यादा हो रहा है।
तो वैसे जो है लिमिटेड ट्रांसफेशनल्स होना जो है वो जरूरी है रेपो बिल्डिंग करने के लिए। रेपो बिल्डिंग के बाद जो है अगर चीजें हद से ज्यादा बढ़नी शुरू हो जाएं तो इस चीज को जो है फिर ऐसे जो है कंट्रोल किया जा सकता है। तो याद रखें अगर जो है फीलिंग्स हद से ज्यादा जो है वो अटैच होना शुरू हो जाए, चाहे वो पेशेंट की है या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की, तो इस सिचुएशन से बचने के लिए, इस ट्रांसफेरेंस से बचने के लिए सिंपल हल होता है कि पेशेंट को जो है रेफर कर दिया जाए, ताकि पेशेंट जो है अपने ट्रीटमेंट को मुकम्मल करवा सके। ये ना कि ट्रांसफेरेंस में जो है दोनों फंस जाएं और दोनों ही जो है अपनी जो है इमोशनल फीलिंग्स को जो है पर्सनल फीलिंग्स बना लें और जो है अपनी लाइफ को गुजारना चाहें, तो इस तरह की बात नहीं है। और इसके ऊपर भी जो है फ्रॉइड ने कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई हैं। अगर बिलफर्ज ऐसा होता है कि पेशेंट जो है और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो है उनकी जो है आपस में जो है ट्रांसफेरेंस बिल्ड हो गई है, थेरेप्यूटिक रिलेशन जो है वो वीक हो गया, लेकिन पेशेंट फिर भी रेफर कर दिया, लेकिन उनकी अटैचमेंट फिर भी रही है डिफरेंट जो है पर्सनल रिलेशंस की वजह से, तो उनको जो है स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन के लिए जो है कहा जाता है कि आप जो है सेपरेट रहें, ताकि जो है चीजें बेहतर हो सके। आप जो है थेरेप्यूटिक प्रोसीजर से जो है वो जो पेशेंट है जब तक नहीं निकलता तब तक वो चीजें, वो अटैचमेंट, वो इमोशनल सारा कुछ जो है उसको जो है एक सेपरेट वे में रखें, ताकि चीजें मजीद बेहतर हो सके और पेशेंट का ट्रीटमेंट मुकम्मल हो सके, और उसके बाद जो है आप एक स्पेसिफिक टाइम गुजरने के बाद उस रिलेशन को दोबारा से मेंटेन कर सकें। आई होप सो कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, तो इस चैनल को जो है आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो आप मुझे डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगेबान।